Hello my lovely viewers and subscribers, welcome to my channel Microbiology with Sumi. Agar aapko meri videos pasand aaye to please mere channel ko like, share aur subscribe zarur kijiye aur aapko ye video kaisa laga mujhe comment karke zarur bataiye. Today's video is on list of gram-positive and gram-negative bacteria. तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ एग्जाम्पल्स ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया पर. तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो. शुरू करते हैं एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन से. ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर वॉज डिस्कवर्ड बाय हैंस क्रिश्चियन ग्राम इन 1884. हैंस क्रिश्चियन ग्राम नाम के साइंटिस्ट ने ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर को डिस्कवर किया था 1884 में. ग्राम स्टेनिंग इज अ यूनिवर्सल स्टेनिंग टेक्निक यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स. अब ये जो ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर है ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होती है और ये प्रोसीजर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है. अब दुनिया के किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या तो लेबोरेटरी में जाइए, वहां पर एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करके ही ग्राम स्टेनिंग की जाती है. और इस ग्राम स्टेनिंग का यूज होता है बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई और क्लासिफाई करने के लिए. इन दिस स्टेनिंग मेथड बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स. अब इस स्टेनिंग प्रोसीजर का यूज करके बैक्टीरिया को इम्पोर्टेंटली दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. सबसे पहला है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया. This classification of bacteria depends upon the property of a cell to retain or to lose the primary stain after the treatment of decolorizing agent. अब ये जो क्लासिफिकेशन होता है वो एक बेसिस पर होता है कि बैक्टीरिया की प्राइमरी स्टेन रिटेन या तो लूज करने की कैपेसिटी पर इस बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया जाता है. ग्राम स्टेनिंग इज अ बेसिक एंड वाइडली यूज टेक्निक. तो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक एक बेसिक टेक्निक है और ये बहुत ही वाइडली यूज की जाती है. अगर आप ग्राम स्टेनिंग का वीडियो डिटेल में देखना चाहते हैं तो वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा. वो आपको हिंदी में एज वेल एज इंग्लिश में भी वो वीडियो आपको मिल जाएगा. उस वीडियो में मैंने हर एक बारीक डिटेल ग्राम स्टेनिंग की डिस्कस की है, तो आप वो वीडियो भी जरूर देखिए. This technique was modified by many scientists, but the result was obtained by Hucker's and Korn's modification. अब जैसे टेक्निक ये डेवलप हुई उसके बाद कई अलग अलग साइंटिस्ट ने इस टेक्निक को मॉडिफाई किया है, लेकिन बेस्ट रिजल्ट्स मिले हैं हकर एंड कॉर्न्स मॉडिफिकेशन से. तो वही टेक्निक आज यूज की जाती है. अब सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स. तो ये है बैसिलस, स्टाफिलोकोकस, माइक्रोकोकस, स्टाफिलोकोकस लिस्टेरिया, स्ट्रेप्टोमाइसिस, स्ट्रेप्टोकोकस, क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम, प्रोपियनो बैक्टेरियम, एंटेरोकोकस, लैक्टोबैसिलस, स्टाफिलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, एंटेरोकोकस फिकालिस, एंथ्रैक्स बैक्टीरियम और एक्टिनोमाइसिस. तो ये थे कुछ एग्जांपल्स. यहाँ मैंने और एग्जांपल्स लिस्ट किए हैं और वो है बैसिलस स्पीशीज में आपको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में है यहाँ पर बैसिलस एंथ्रासिस, बैसिलस सीरियस, बैसिलस सटिलिस. उसके बाद है क्लॉस्ट्रिडियम स्पीशीज में क्लॉस्ट्रिडियम डिफली, क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रिंजेस एंड क्लॉस्ट्रिडियम टिटानी. आगे है कॉर्निबैक्टीरियम स्पीशीज, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्टेरी, कॉर्निबैक्टीरियम जाइक्यूम, कॉर्निबैक्टीरियम यूरालैक्टिकम. तो ये है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के कुछ एग्जाम्पल्स. अब हम देखेंगे ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के कुछ एग्जाम्पल्स. तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है स्यूडोमोनास, इसर्शिया कोलाई, सैल्मोनेला, शिगेला, प्रोटियस, जैंतोमोनास, बॉर्डेटेला, ब्रुसेला, कैंपाइलोबैक्टर, सयानोबैक्टर,
एंटेरोबैक्टर क्लेप्सेला निमोनी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, और यहाँ पर थोड़े और मैंने लिस्ट किए हैं। ब्रुसेला स्पेशीज में आपको मिलेंगे ब्रुसेला एबॉटस, ब्रुसेला कैनिस, ब्रुसेला मेलिटेनिसिस, ब्रुसेला स्विस। और आगे है हीमोफिलस स्पेसीज में हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस एवियम, और निजेरिया स्पेशीज में निजेरिया गोनोरी और निजेरिया मेनिनजाइटिस। तो फ्रेंड्स, ये है कुछ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के एग्जांपल्स। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और अगर ये वीडियो आपके काम आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।